हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ पैरामेट्रिक फंक्शन तो सबसे पहला ये पैरामेट्रिक फंक्शन है क्या तो जरा देखें मैंने कुछ नोट किया है वो क्या इफ एक्स एंड वाई इफ एक्स एंड वाई बोथ आर गिवन इन थर्ड वेरिएबल फॉर्म और वो थर्ड वेरिएबल हो सकता है टी यू वी एटसेट्रा देन फंक्शन इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन तो अभी तक क्या होता था आइदर फंक्शन ऐसा होता था वाई आर वाई इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्सर एक्स इज गई फंक्शन इन दाई बट इफ वी हैल्सो इन टर्म्स ऑफ टी और यू और वी देन फंक्शन इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखें तो जरा देखें एग्जाम्पल्स नंबर वन x equal to 2 at and y is equal to at square. So, here x and y both are given in terms of third variable t that is why it is called parametric function. Similarly, number 2, x equal to log of u and y is equal to E raised to u plus 2. So here we have x and y both are given in terms of u. So that is why it is parametric function. Similarly, third x equal to a cos theta and y is equal to a sin theta. तो हेयर एक्स एंड वाई बोथ आर गिवन इन टर्म्स ऑफ थीटा तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो पैरामेट्रिक फंक्शन और एग्जांपल ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन तो अभी तक आपको क्लियर होगा पैरामेट्रिक फंक्शन है क्या तो अगर एक्स और वाई दोनों ही किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में या थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में आपको बताए जाते हैं देन इट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन जैसे हमने तीन एग्जाम्पल लिखा फर्स्ट एग्जाम्पल में x एंड y बोथ आर इन टर्म्स ऑफ t In the second example, x and y both are in terms of u, and in third example x and y both are given in terms of theta. So, that is why all the three examples are of are examples of parametric function Now, steps. How we differentiate to steps steps to find dy upon dx. फॉर पैरा फंक्शंस तो अब ये क्या स्टेप फॉलो करना है तो स्टेप्स टू राइट डिफ्रेंशिएशन ऑफ पैरा फंक्शन तो अब हमारे पास बेसिकली है क्या दो स्टेप में हमारा क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अज्यूम करता हूं लेट एक्स एज एफ टी यानी कि इन टर्म्स ऑफ टी गिवन है एंड y इज इक्वल टू जी टी यानी कि y भी t के टर्म्स में गिवन है तो अब करना क्या है स्टेप नंबर वन तो हेयर x एंड y बोथ आर इन गिवन इन टर्म्स ऑफ t तो हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट x एंड y बोथ विद रिस्पेक्ट टू t तो हमने क्या करना है x और y दोनों का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना है तो देअर फोर वी हैव डीएक्स अपॉन डी टीवल टू डी अपॉन डी टी ऑफ एफ ऑफ टी एंडी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ जी टी तो देअर फोर वी हैव dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ डैश टी एंड डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू जी डैश टी तो आपको डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी दोनों अलग अलग मिल जाएंगे अब स्टेप नंबर टू तो स्टेप नंबर टू डी वाय अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी एंडी टी तो अब आपने डी अपॉन एक्स को किस तरह से लिखना है डीवाई अपॉन डीटी अपॉन डीएक्स अपॉन टी. मतलब कहने का कि आप जो भी दोनों डिफ्रेंशिएशन मिले थे उसको रिप्लेस कर देंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डीवाई अपॉन डी टी और डिनोमिनेटर में डीएक्स अपॉन डी टी तो so तो so so इस ये तरह से हमारे पास आ जाएगा dy dx. So दो स्टेप में हमारे पास क्वेश्चन आने हैं अब ये कैसा अप्लाई होगा तो इसको हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में देखते हैं तो नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फाइव

Both with respect to t. So, हमने अब एक्स और वाई दोनों को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है स्टेप नंबर वन तो देर फोर डी एक्स अपॉन डी टीवल टू डी अपॉन डी टी ऑफ ए टी स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ टू ए तो तो से बाहर तो डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्टेंट डेरिवेटिव ऑपरेटर से बाहर तो डी अपॉन डी टी ऑफ टी सॉरी टू ए है तो हेयर वी है डी एक्स अपॉन डी टी तो डिफरशिएशन ऑफ टी स्क्वायर

तो देआर फोर डीएक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू टू ए टी एंड डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू टू ए तो हमने क्या किया dx अपॉन डी टी एंडी वाई अपॉन डी टी ये हमने दोनों डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट कर लिया अब स्टेप नंबर टू नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाय अपॉन डी टी डि डी टी वी रिप्लेस दैल्यूज ऑफ डी वाई अपॉन डी टी एंडी तो देअर फोर टू ए अपॉन टू एटी आफ्टर दैट टू एंड टू ए कैंसल तो अभी हमारे पास टू एंड टू ए कैंसल तो देयर फोर वी हैव डीवाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू

तो इसलिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो देर फोर डीएक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ टू एक्वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ ए टी रेस टू फोर तो देर फोर डीएक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू टू ए कॉन्स्टेंट बाहर डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ टी रेज टू फोर तो दे आर फोर डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू टू ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी स्क् जैसा एक्स स्क्वायर होता है तो टू टी रेस टू टी टू माइनस वन एंड डी वाई

टी रेस टू थ्री तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल कैलकुलेशन है नीवाई अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी डी रिप्लेस डी वाई अपॉन डी टी दे तो सिंपल कैलकुलेशन तो है फोर ए फोर ए कैंसर टी से थ्री पावर में से वन पावर कैंसिल टू पावर रह जाएगा इट मीन्स वी हैव टी स्क्वायर तो देर फोर डीवाई अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू टी हमारा अपॉन डीएक्स ना वी हैव सब क्वेश्चन नंबर थ्री तो सब क्वेश्चन नंबर थ्री हेयर वी हैव एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू थ्री टी And y is equal to e raised to 4 t plus 5. So, again x and y both are in terms of t. So we differentiate x and y both with respect to t. So, therefore, d x upon d t is equal to d upon dt of e raise to 3 t and dy upon dt is equal to d upon dt of 4 t plus 5 so therefore dx upon d x upon dt is equal to e raise to 3 t into d upon dt of 3 t and और आप समझ सकते हैं मैंने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया है कंपोजिट फंक्शन का तो डी वाई अपन डी टीवल टू अब आपको चलो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इससे पहला x करेंगे, तो ये क्या जाएगा कि प्लस फाइव एंड डिफ्रंशिएशन ऑफ दैट टर्म विच इज कंसिडर्ड एज एक्स तो एक्स की जगह यहाँ टी चल रहा है तो हम कह सकते हैं ए, t. तो it is प्लस फाइव तो ये हमारे पास इस तरह से तो देर फोर डी एक्स अपॉन डी टी ई रेस टू थ्री टी इन टू थ्री डेरी ऑपरेटर से बाहर डी अपॉन डी टी ऑफ टी एंड अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई रेस टू फोर टी प्लस फाइव डी अपॉन डी टी को अंदर शिफ्ट करेंगे तो फोर इन टू डी अपॉन डी टी ऑफ टी प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ ये हमारे पास तो दे का डिफ्रेंशिएशन एक्चुअली आप फॉर्मुले वैसे यूज करेंगे जैसे एक्स के लिए रहते हैं लेकिन ये टी में चल रहा है एंड डी वाई अपॉन डी टी ई रेस टू फोर टी प्लस फाइव इंटू फोर इंटू वन प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फाइव इज इक्वल टू जीरो तो देर फोर वी हैव डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई रेस टू थ्री टी इन थ्री इंटू वन तो इसको बहुत सिस्टमेटिक लिखना हो तो थ्री ई रेस टू थ्री टी एंड डी वाई अपॉन डी टी तो फोर इंटू वन फोर तो सिर्फ फोर रह जाएगा इसलिए उसको पहला लिख लेते हैं फोर इंटू ई रेस टू 40 plus 5. Now, dy upon dx is equal to dy upon dt divided by dx upon dt. So it is equal to 4 e raised to 40 plus 5 and divided by 3 e raised to 3t. Next, it is written as 4 upon 3. थ्री टी कॉन्सेप्ट इंडा का आपको मालूम है इफ़ यू हैव ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन इट इज एज ए रेस टू एम माइनस एन तो ना वी हैव फोर अपॉन थ्री ई रेस टू फोर टी माइनस थ्री टी इज इक्वल टू टी एंड प्लस फाइव तो दे आर फोर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फोर अपॉन थ्री प्लस फाइव इट इज डी अपॉन डी एक्सल्ट उसी तरह से जैसा हमने फर्स्ट टू पार्ट कंप्लीट किया था तो so, ये तो आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर टू एंड अगेन वी हैव थ्री डिफरेंट सब क्वेश्चंस तो जरा देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू एंड सब क्वेश्चन वी हैव एक्स इक्वल टू यू प्लस यू द होल देखें x एंड y बोथ आर टर्म्स ऑफ u बट इन बोथ द फंक्शन टर्म u प्लस वन अपॉन यू तो मैं क्या ट्रिक यूज कर रहा हूँ स वन अपॉन यू इज इक्वल टू टी तो देर फोर वी हैव एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू टू रेस टू टी तो अब यह सिंपल हो गया यानी कि उतना कॉम्प्लीकेटेड नहीं दिख रहा जितना पहले था अब नेक्स्ट डिफरेंशियट डिफ्रेंशियट एक्स and y both with respect to t so therefore dx upon dt is equal to d upon dt of t square and dy upon dt is equal to d upon dt of 2 raised to t so therefore dx upon dt x raised to n 2 यानी कि n into x रेस टू n minus 1 तो दैट इज व्हाई वी राइट 2 t रेस टू 2 minus 1 एंड dy upon dt डिफरेंशिएशन ऑफ a रेस टू x इज इक्वल टू a रेस टू x log ऑफ a तो यहाँ पर x की जगह t है और a की जगह 2 तो वापस ध्यान दो वी हैव डिफरेंशिएशन ऑफ a रेस टू x इज इक्वल टू a रेस टू x log ऑफ a तो देयरफॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ 2 रेस टू t टू इज टू टी एन टू लॉग ऑफ टू तो एंड इंडिकेट नहीं करते इसलिए उसको नहीं लिखा है एंड इट इज टू टी इन टू लॉग टू तो अब आपके पास dx अपॉन डी टी एंड डी वाई अपॉन डी टी दोनों फाइंड आउट कर लिए हमने यानी कि मेरे पास ये दोनों कैलकुलेशन आ गई हैं अब मैं क्या करूंगा सिर्फ डिवाइड करना है तो नाउ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी डी बायस अपॉन डी टी तो टू रू टी इन टू लॉग ऑफ टू एंड डिवाइड बाय टू टी तो ये हमारे पास आ गया बट मेरा क्वेश्चन यू में गिवन है टी में नहीं तो बाद में करना क्या है टी का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो t था क्या सॉल्यूशन तो so कुछ कैंसिल नहीं करना ये अलग अलग टर्म है पावर्स वगैरह हैं तो मैं आपके लिए इसको इधर ही स्टॉप कर दूंगा इसको और रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर सिंस t इज इक्वल टू u plus 1 upon u. Up next, sum number 2, up second problem, yes, sub question number 2. So, here we have x equal to root of 1 plus u square and y is equal to log of 1 plus u square. Again, x and y both are given in terms of u. बट इन बोथ द फंक्शंस वी हैव कॉमन टर्म 1 प्लस यू स्क्वायर और दोनों में एक जैसा टर्म है 1 प्लस यू स्क्वायर तो सेम कॉन्सेप्ट जैसा पहले किया था हमने पुट 1 प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी तो दे आर फोर एक्स इक्वल टू रूट ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी हेयर एक्स एंड वाई बोथ आर फंक्शंस ऑफ टी नाउ तो अब क्या करना है तो अब ये टी के फंक्शंस हो गए तो डिफरेंशियट एक्स एंड वाई बोथ विद रिस्पेक्ट टू टी तो इफ वे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी देन वी हैव डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ रू टी एंडी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ लॉग ऑफ टी तो दे आर फोर डीएक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू रूट टी डिशिएशन वन अपॉन टू रूट टी एंड अपॉन डी टी लॉक टी डिफरेंशियन वन अपॉन टी तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी टी और dx अपॉन डी टी ये दोनों डिफ्रेंशिएशन आ गए अब आपको मालूम है हम क्या करने वाले हैं डी वाई अपॉन डी एक्स तो नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी नावी रिप्लेस वैल्यूज वन अपॉन टी इंटू वन अपॉन टू रूट टी अगर इसको अरेंज करेंगे तो वन इंटू टू रूट टी एंड वन इंटू टी तो फोर्थ टर्म फर्स्ट यानी कि न्यूमरेटर में और सेकेंड टर्म डिनोमिनेटर में यानी कि थर्ड के साथ आएगा तो इट इज टू रूट टी अपॉन टी तो फाइनली वी हैव टू रूट टी अपॉन टी बट इट कैन बी रिटर्न एज टू रूट टी अपॉन टी इज ऑल्न एज रूट टी आप सबको मालूम है कि इफ़ वी हैव टू राइट तो इज़ आफ्टर दैट देयर फोर

तो हमने का t का वैल्यू रिप्लेस किया t इज़ तो तो इट द रिक्वायर्ड ये था हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान देना हेयर वी वन फंक्शन तो यानी कि डिफरेंशियन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन तो अब जरा देखें क्या है here, Have differentiate, differentiate hai, so we have to differentiate हमको डिफ्रेंशियट करना है फाइव एस टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू लॉग ऑफ एक्स तो हेयर वी हैव टू डिफ्रेंशियट फाइव रेस टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स तो देआर फोर हेयर वी हैव टू

डी एक्स अपॉन डी लॉग एक्सो रिटर्न डी एक्स ऑफ लॉग एक्स तो हमने एक एडिशनल डी एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यूज किया है और क्या किया डी अपॉन डी एक्स ऑफ फाइ रेस टू एक्स एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स तो यह हमारी तरफ से बट डिफरेंशियन ऑफ फाइव रेस टू एक्स फाइव रेज टू एक्स लॉग ऑफ फाइव तो आपको मालूम है फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए रेस टू एक्स और लॉग एक्स डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स तो सिंस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स ए रेस टू एक्स लॉग ऑफ ए एंडी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स नाउ x वापस न्यूमरेटर में शिफ्ट कर जाएगा तो इट इज पाई रेज टू x इंटू लॉग ऑफ पाई और इंटू x डिवाइड में क्या रह जाएगा वन तो वन इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है तो फाइनली वी हैव डी ऑफ पाई रेज टू x अपॉन d ऑफ लॉग ऑफ x इज इक्वल टू पाई रेज टू x इंटू ऑफ पाई और इंटू तो ये रहा हमारे पास फाइनल सोल्यूशन तो थोड़ा ट्रिकी है लेकिन आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इजली ये कंप्लीट कर पाएंगे तो जरा देखें तो पहला ये वर्बल फॉर्म लिख लेना हेयर वी हैव टू 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 एक्स एक्स विद रिस्पेक्ट लॉग तो जिसका लेनाशन करना है वो न्यूमरेटर जैसा मैंने लिखा है डी फाइव एक्स और जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है वो डिनोमिनेटर जैसा हमने लिखा है डी लॉग एक्स तो ये इस तरह से आएगा बाकी फिर डी एक्स दोनों तरफ यूज करके आप कंप्लीट कर सकते हैं तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू एंड इट्स थ्री सब क्वेश्चन थ्री एंड वी हैव थ्री सब क्वेश्चन ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट तो आप जरा देखते हैं नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर थ्री एंड इट्स सब क्वेश्चन वन हेयर वी हैव एक्स इक्वल टू ए वन माइनस वन अपॉन टी एंड वाई इज इक्वल टू ए वन प्लस वन अपॉन टी एंड वी हैव टू शो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन तो चलो जरा देखते हैं क्या कर रहे हैं तो अब एक काम करते हैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए वन माइनस वन अपॉन टी प्लस ए वन प्लस वन अपॉन टी तो देर फोर वी हैव

अगेन शिफ्ट एक्स इन टू द राइट साइड टू टू ए माइनस एक्स तो हमने इस फंक्शन को बहुत सिंपलीफाई कर दिया और अब ये सिंपल क्वेश्चन है सिर्फ आपने करना क्या है डिफ्रेंशिय विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म ही खत्म कर दिए यहाँ पर अब जरा देखें तो so, डिफ्रेंशियट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ टू ए माइनस एक्स इट इज डी अपॉन डी एक्स टू एन डी एक्स एक्स डिशन टू वन तो देर फोर डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और यही तो हमको शो करना था क्या डीवाई अपॉन डी एक्स माइनस वन आएगा तो सिंपल प्रॉब्लम है ट्रिक्स है और इसको आपने ध्यान देना होगा कि मैं क्या ट्रिक्स यूज कर रहा हूं तो हमने दोनों को ऐड किया एक्स और वाई को उसके बाद ये सिंपल एक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया अगेन वी हैव एक्स इक्वल टू सब क्वेश्चन अपॉन वन प्लस टी वी वाई इज इक्वल टू थ्री वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वापस कुछ ट्रिक जरा देखें क्या यूज कर रहा हूं मैं टू इंटू टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क् को लिखा टू इन टू टू टी एंड इज इक्वल टू सेम एज इट इज वन माइनस टी स्क्र अपॉन वन प्लस टी स्क् नौ एक्स डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर तो हमने क्या किया टू को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लिया तो एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर आ गया एंड सिमिलरली वाई अपॉन थ्री इज इक्वल टू वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर तो ये हमारे पास इस तरह से दो टर्म आ गई अब हम क्या कर रहे हैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं तो ऑन एडिंग आफ्टर स्क्वायरिंग देन वी हैव एक्स अपॉन टू द स्क्वायर प्लस वाई अपॉन थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू टू टी अपॉन वन प्लस टी द होल स्क्वायर प्लस वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस वाई अपॉन थ्री स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन नाइन एयर फोर टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर द सिंपल है कि इफ यू है अपॉन बी द स्क्न इट इज रिटर्न स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो ये हमने यूज किया नाउ इन द राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर्स आर सेम तो सो वी राइट इन सिंगल फ्रैक्शन फॉर्म वन प्लस

ए माइनस बी द होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यह अप्लाई किया इज इक्वल टू फोर टी स्क् प्लस वन माइनस टू टी स्क् प्लस इसको एज इट इज चले देते हैं टी स्क् स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट इज नो चेंज वन प्लस

प्लस बी यूज किया न्यूमरेटर में अब न्यूमरेटर एंडल तो दैट मीन ये पूरा सिस्टम आ रहा था एक्स स्क्स वाई स्क्वायर अपॉन नाइन और इट इज टू वन थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर लेते हैं और वो क्या जरा देखें तो वाई स्क्वायर अप नाइन इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर तो एक्स को हमने राइट right साइड में शिफ्ट किया अब differentiate करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी अपॉन डी एक्सर इज इक्वल टू डी अपॉन डीएक्स ऑफ वन माइनस एक्स नेक्स्ट इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन नाइन डी अपॉन डीएक्स ऑफ वन डेरीवेटिव ऑपरेटर अंदर आ रहा है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्न फोर नाइन एस कॉन्स्टेंट डेरीवेटिव ऑपरेटर से बाहर डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ वन यानी कि कॉन्स्टेंट जीरो माइनस वन अपॉन फोर कॉन्स्टेंट बाहर डी अपॉन डीएक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वन अपॉन नाइन डिफरनशियशन ऑफ वाई स्क्वायर टू वाई इन टू

इन नाइन अपॉन टू वाई टू एंड टू कैंसल तो देर फोर वी हैव डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस नाइन एक्स और अपॉन फोर वाई और यही हमको शो करना था डी डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस नाइन एक्स अपॉन फोर वाई फोर वाई तो फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है जहां मैंने x के लिए चेंज लिया था और वो क्या चेंज था x इज रिटर्न एज टू इंटू टू करके यानी फोर की जगह टू इंटू टू 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 टी और फिर टू को डिवाइड में लिया उधर थ्री को डिवाइड में लेके स्क्वायर करके ऐड किया और स्क्वायर क्यों करके ऐड किया अगर आप अपने प्रूफ में देखें तो मुझे फोर दिख रहा है विच इज़ द स्क्वायर ऑफ टू एंड नाइन इज द स्क्वायर ऑफ़ थ्री तो इसलिए हमने इसको फ्रैक्शन में लेके स्क्वायर करके ऐड किया तो ये वहां से हिंट मिलता है हमको तो ये था हमारे पास सेकेंड सब क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए एंड अब थर्ड सब क्वेश्चन हेयर वी हैव वाई इज़ इक्वल टू टी टी लॉग ऑफ़ सॉरी मैंने गलत दिखाई तो हेयर वी हैव एक्स इक्वल टू टी इंटू लॉग ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू टी रेस टू टी एंड वी हैव टू शो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू

x इज इक्वल टू टी इंटू लॉक टी मिला हमने टी इंटू लॉक टी की जगह रिप्लेस कर दिया x तो इसको भी मार्क कर देते हैं Since x equal to t into log t given. तो अब ये मेरे पास simple एक प्रॉब्लम आ गया log y इज इक्वल टू एक्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वाई is equal to d upon dx of x. So log y differentiation 1 upon y into dy upon dx or x differentiation is equal to 1. So therefore, we have 1 upon y into dy upon dx is equal to 1. Cross multiplication dy upon dx is equal to 1 into वाई अपॉन वन तो देर फोर डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं और वो अपना ही कुछ लॉजिक यूज करते हैं तो मैंने उन्हीं का लॉजिक बहुत सारे लोगों का यूज किया है कि सिर्फ रेसिप्रोकल करना है तो वन अपॉन वाई वाई अपॉन वन अब ये डी वाई अपॉन डीएक्स हमारे पास आ गया है इज इक्वल टू वाई तो y वन इंटू वाई अपॉन वन इज इक्वल टू वाई वाई को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लो तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई और राइट right साइड में रह जाएगा जीरो और यही हमको प्रूफ करना था डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो तो ये था हमारे पास एक्सेस सॉरी क्वेश्चन नंबर थ्री एंड इट्स क्वेश्चन नंबर थ्री